शुरू कर दिया। तो जी हम आए थे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया डेंसिटी का, डीजल की भी 700 डेंसिटी, पेट्रोल की भी 700 डेंसिटी। इंडियन ऑयल के हिसाब से 730 से ऊपर होनी चाहिए और 830 से डीजल की ज्यादा होनी चाहिए। पहुँचाना है क्योंकि वहाँ प्रिपरेशन भी करनी है, 6:30 तक सारा कुछ रेडी होना चाहिए, फिर चले दूर लाए। कैसी रही आपकी इफ्तारी आज? लकड़ सर क्या हो गया सर्दी से? रही साइज बता। बिस्मिल्लाह सुन काले आ गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे मैंने मेंशन किया था पिछले व्लॉग में, रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई थी तो आज वहां खाना ले जाना है, तो सुबह से ही तैयारी में लगे हुए। सुबह से टाइम ही नहीं मिला व्लॉग के लिए, तो सुबह सवेरे से हम तैयारी में लगे हुए चीज़ें वगैरह लाने के लिए। तो ये लोग आए थे काम करने, ये देखो क्या कर रहे इधर। हेलो ओ मिस्टर कैप, काम करने आया था ना? तो किया ना काम? कहाँ? बस दूध भी लाया साइकिल पे और और ये रिश्ता बनाया। ठीक। और भाई साहब आप? ये लोग आए थे काम करने, बोला था हम आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प तो इनसे हुई नहीं। इसने दूध लाया साइकिल पे सुबह, बस मैं सुबह से वही सुन रहा हूँ दूध लाया ना मैंने। मैं दिखाता हूँ क्या प्रिपरेशन की मैंने सुबह से, क्या क्या बनाया क्या क्या नहीं बनाया। अभी थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो भी बनाते हैं। बेसल सीड्स और पानी जो ले जाना है उधर। ये है मीट, माई फेवरेट, पनीर, साग, कश्मीरी कड़म बोलते हैं इसको, दिस इज नमकीन चाय। चलो मेरा राज के पकड़ो। बिस्मिल्लाह तू उन काले आ गए दो पे। ओ भाई 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 मैं आराम से, ओ और रुक जा अभी, और कि जाना है और साइकिल पानी। नहीं मुझे नहीं आना, थैंक यू। पानी नहीं, ये यस कुछ खा लिया बोला। अच्छा नहीं, ये बहुत ऊपर चढ़ना है, मैं चढ़ाऊंगा आज। हमें क्या लाना है यार, कसमें दिखाने पड़ती है। हमें क्या लाना है? ऐसे चढ़ना, वैसे कैसे? वैसे एक टांग उधर एक उधर, नहीं ऐसे चढ़ूंगा। तो जी सारी तैयारी हो गई, नमाज हमने पढ़ ली, 6 बजे से पहले पहले वहाँ खाना पहुँचाना है क्योंकि वहाँ प्रिपरेशन भी करनी है, 6:30 तक सारा कुछ रेडी होना चाहिए, फिर चले दूध लाया यार। ये सुबह से मुझे सिर्फ बोल रहा है दूध लाना है दूध। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी हो गई, सब कुछ तैयार है, वहाँ खाना ले जाने के लिए सब कुछ रेडी। तो ये थोड़ी जिद कर रही थी मुझे बाहर ले जाओ, क्योंकि सुबह सुबह से इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ, टाइम हुआ 5:30, तो 6 बजे तक वहाँ खाना पहुँचाएंगे। 6:40 पे इफ्तारी है, तो इफ्तारी भी उनको करवानी है अच्छे से तरीके से, तो खाना वगैरह देना है इफ्तारी के बाद। तो चलो जी नमाज वगैरह पढ़ के आ गए हम। तो चलो जी सामान निकालते, इसमें से जो हमारा कैंपिंग का सामान होता है इसमें सारा, वो पहले निकालते हैं इसमें से, फिर भरते हैं इसमें खाना जो ले जाना है उधर। नुकसान हो गया कसम से, चाय सारी गिर गई, समझ ही नहीं आया केटल अचानक से वो छोटा सा ब्लास्ट हो गया, फट गई, वैक्यूम बन गया था शायद केटल का। तो चलो जी इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी करवाते हैं पहले इनको जहाँ पे डेथ हुई थी रिश्तेदारों में, पहले इनकी इफ्तारी करवाते हैं फिर अपनी इफ्तारी करेंगे। तो जी हम आए थे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया डेंसिटी का, डीजल की भी 700 डेंसिटी, पेट्रोल की भी 700 डेंसिटी। इंडियन ऑयल के हिसाब से 730 से ऊपर होनी चाहिए और 830 से डीजल की ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना ये बराबर है कि नहीं है। अब इसने हमारे साथ आर्ग्यूमेंट किया, बोलता है ये 700 नहीं है, ये 760 है। हम 700 को 760 कैसे एक्सेप्ट करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। परसों भी हमें एक के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, उसके पास 726 थी, बोलता है इसको 762 पढ़ो। या तो हम अनपढ़ है या तो ये हमें पागल बना रहे हैं। तो हम ये वीडियो एक्चुअली नहीं बनाते, हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि डेंसिटी इतनी होनी चाहिए। पता नहीं लोगों को पता है या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, बट ये चीज़ इग्नोर करने के लायक नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए।
जाएगा कभी भी नहीं। एज यू नो आज हम बहुत बहुत ज़्यादा थक गए, काम थे, ऑफिशियल वर्क आपको बहुत ही पता है, आप ऑफिशियल वर्क बहुत ही थकाता है इंसान को, पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। तो इतनी थकावट के बाद वारिस भी मिला, इसने बोला कहीं पे इफ्तार पार्टी करेंगे छोटी मोटी कुछ भी, तो हम आए ऊपर यहाँ पे, देखो ब्यूटी। इफ्तारी के बाद सीधे चलेंगे घर, इफ्तारी में कुछ देखेंगे क्या कुछ खा पाएंगे हम। ऐसे माहौल में ना इफ्तारी करने का बहुत ही मज़ा है, कभी ट्राई कर लेना दोस्तों के साथ, मगर दोस्तों के साथ बहुत ही मज़ा आता है ऐसे ऐसे इफ्तारी करने में, कभी कर लेना ट्राई। आज टाइम से ही सब कुछ हुआ, आग का बंदोबस्त भी, इफ्तार की तैयारी भी, ये देख सकते हो आप, अब हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए। अभी इफ्तारी में कम से कम 40-50 मिनट्स अभी इफ्तारी में, आज हमने टाइम से पहले ही सब कुछ कंप्लीट किया। आप देख सकते हो इफ्तारी के लिए फ्रूट भी काट दिया, इफ्तारी के लिए खजूर भी। अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर इफ्तारी करते हैं। अभी एक घंटा है और हमें सब प्रिपरेशन कर रखी है, ये देखो बाहर सब ऐसी ये कर रहा है ऐसे और ये टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। हेलो सर, सर विच कलर, वो ये शरबत डाला इसमें पागल है क्या? इसको थोड़ा दिमाग में फर्क है, माइंड नहीं करना प्लीज, कोई भी माइंड नहीं करना, ये देख मोहब्बत है इसमें, इसमें खाली है, ये इससे डाला कसम से, सब कुछ इसने खराब किया, जो भी होगा इसने बनाया। भाई मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ केला काटा, ठीक है, लेकिन इसमें मोहब्बत कहाँ से लाऊं मैं कहाँ से मोहब्बत लाऊं उसमें। तो लकड़ी हमारे पास बहुत कम थी, मैंने इसमें अब जुगाड़ कर दिया और वो लकड़ी ढूंढने गए वहां से उस तरफ से। ऐसे माहौल में इफ्तारी, ये देख सकते हो आप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई हमारी, राशिद भी आया था। कैसी रही आपकी इफ्तारी आज? लकड़ सर्दी से। क्या हो गया सर्दी से? लकड़ी नहीं, सच बता, इफ्तारी में मजा आया? क्या में बोलते ना, मैं क्या लकड़ सर्दी से, तो मैं क्या लकड़ी सर्दी से। चलो जी इफ्तारी हो गई हमारी, करते हैं इस व्लॉग को एंड यहीं पे और जल्दी जल्दी जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जमात ही पढ़ेंगे क्योंकि हम बस्ती से बिल्कुल पास ही है, नमाज़ पढ़ेंगे फटाफट से जाएंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, यासिर डार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बस बस हो गया।